परेशान है, चिंतित है, थोड़ा सा। और जो जैसे बताया गया कि अब दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो FIR हुई है उसमें विधिक कार्रवाई करते हैं, जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई में ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है, 45 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने? सर सभी को दिया जाएगा। यहाँ पर कृषक है जिनके बारे में अभी संख्या चार बताई गई, चार चार या पाँच, पाँच में कहीं पक्का नहीं, अभी चार ही का है। इसके बारे में अभी सर एक शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और जो घोषणाएं आपने हुई है और आपसी कमेटी का एक उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे गिरफ्तारी में न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। सर गिरफ्तारी को लेकर क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरे व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे आप, अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन या जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंत के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों ने मारा जाएगा या जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.